100% मैच करके किया है हर चीज़। मतलब आप वो अगर ये एक पेन बोलेंगे, एक पैड बोलेंगे, लेटर पैड, या फिर एक टेबल, कुर्सी, उसके लाइट, घर के लैंप, हर एक चीज़, दीवार के कलर, दरवाज़ा, दरवाजे का जो लगाते हैं वो हर एक चीज़ हमने कॉपी पेस्ट ही किया है कह सकते हैं, ताकि लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर ले, वो भी जब देखें खुद को कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एग्जैक्टली वही फिक्शन हमने इस फिल्म में नहीं रखा है। रिसर्च वर्क बहुत अच्छा रहा, भास्वति चक्रवर्ती जी ने इसकी पूरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है। 2 साल तो रिसर्च रहा, आम लोगों से बात करते थे हम वहाँ पर, यहाँ से फ़ोन कनेक्ट करके, फिर गैजेट, कई न्यूज़ हैं कई बड़े लोगों के, जैसे कि इम्तियाज़ गुल साहब हैं, बहुत दुनिया के बहुत जाने माने रिपोर्टर रहे हैं, ऑथर भी हैं, उनकी किताबों को पढ़ के कई चीज़ें बाकी रिजम्बल। आप अगर कहेंगे तो लोकेशन में भी हमने वही किया, जैसे कि साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान का जो सरफेस है वो हमें मिल रहा था भूज में, तो हमने भूज पे वहाँ पर शूट किया, उस तरह मिलिट्री कैंप वगैरह डाले, एक्शन सिक्वेंस वहाँ पर किए। कश्मीर बिल्कुल हूबहू मैच करता है, बीच में एक मरी करके पहाड़ है, जो पहाड़ कश्मीर में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो वो पहाड़ जैसे हम क्रॉस कर जाएंगे तो कश्मीर है, तो इस तरफ कश्मीर है, उस तरफ पाकिस्तान है, तो वो सेम लोकेशन है, सेम चीज़ है, वहाँ भी उस तरह के बर्फ़ हैं, वहाँ भी वहाँ के लोग उसी तरह के, वहाँ भी वही झाड़ पौधे हैं, वहाँ का कल्चर यहाँ कल्चर एग्जैक्टली उसी तरह का है, तो हमने कश्मीर को चूज़ किया। लेकिन कश्मीर के वो सब लोकेशन को चूज़ नहीं किया जिनको इन दिनों अब तक चूज़ किया गया है गानों के लिए, कि भाई रोमांटिक गाना बर्फ़ में भागती हुई हीरोइन दौड़ रही है कर रहे हैं, हमने रिमोट एरिया पकड़ा, जो एरिया कभी एक्सपोज नहीं हुआ है, वहाँ के लोकल्स लोग का वो हमने हेल्प भी लिया और फिर हमने शूट किया। अंत में ये पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड है, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी सारे लोग का ओपिनियंस मैटर करता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, अभी तक क्या रवैया रहा है, किसने फिल्म देखी या प्रोमो देखा और क्या किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है लोगों का? मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा एक वर्ड के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा चैनल का भी नाम दिख रहा है मुझे, बॉलीवुड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नाम। Okay. जिनका भी होगा चैनल वो शायद मुझसे नाराज हो जाए, मुझे नहीं लगता है बॉलीवुड करके कोई इंडस्ट्री तो है ही नहीं। सबसे पहली बात, इंडस्ट्री उसे कहेंगे जहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई जगह है जहाँ पर कुछ बनता हो, जहाँ से कुछ निकलता हो, पाइप इंडस्ट्री हो, लोहे का इंडस्ट्री हो, कोयले का हो, जहाँ पर कुछ बनता है, कपड़े का हो, यहाँ कहाँ बनता है मुझे नहीं पता, यहाँ फिल्म बनती कहाँ है, कौन निकालता है फिल्म को और कौन रिलीज़ करता है, कुछ इंडिविजुअल हाउस हैं जो बनाते हैं फिल्मों को, कई ऐसे बड़े मेकर हैं जो बनाते हैं फिल्म को, एकता है ही नहीं इंडस्ट्रीज़ को, क्यों बोलते हैं पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया आज तक। अगर आप लोन लेना चाहते हो फिल्म के नाम पे, तो लोन तो फिल्म के नाम पे मिलता नहीं, आपको आपका घर का, ज़मीन का, जायदाद का पैसा देकर बैंक से पैसा लेना पड़ता है, और वो बैंक का नाम भी हम लोग डाल भी देते हैं कई बार, बैंक तो लोन देती नहीं है, गवर्नमेंट हमको देता नहीं पैसा, इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं समझ में नहीं। इंडियन सिनेमा है ये, अब इंडियन सिनेमा की बात करें तो मैं जवाब दे दूंगा, बताइए आप फिर से एक बार सवाल। तो ऐसा खुल आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारा चैलेंज है फिल्म प्रोड्यूस करना या फिल्म डायरेक्ट करना, क्योंकि जो इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री नाम तो दिया जा रहा है लेकिन इंडस्ट्री है नहीं, इंडियन सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है। तो क्या बदलाव, आप क्या बदलाव चाह रहे हैं, मतलब व्हाट चेंज यू वांट इन द फ्यूचर, किस तरह का चीज बदलाव होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी, जहाँ पर हम जंग की बात करते हैं तब हम एक हो जाते हैं, जब भी पाकिस्तान के साथ जंग की बात करेंगे, चाइना के साथ सियाचिन बॉर्डर में जंग की बात करेंगे, हम एक हो जाएंगे तुरंत, विद इन ए मिनट हम बोलेंगे कि हम सब लड़ेंगे, हम सब गन पकड़ लेंगे। जब एजुकेशन का सवाल आता है कोई एक नहीं होते, जब एक अच्छा एक आउटपुट, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मैं किसी को पूछता हूँ, मेरे किसी दोस्त को कि कौन सी फिल्म का कर रहे थे, मैं एक प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बोलते हैं, मुझे बड़ा तकलीफ होता है सुन के कि एक सिनेमा बनाने की बात नहीं करके वो प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे, प्रोजेक्ट तो एक फैक्ट्री को ही डाल रहा होगा, एक मील को ही डाल रहा होगा, वो प्रोजेक्ट बोलेगा समझ में आता है, सिनेमा है, सिनेमा को प्रोजेक्ट बोलते हैं। ऑब्स्टकल्स बहुत सारे हैं, आगे चल के भी ये सब सुधरने में टाइम लगेगा, मोनोपोली है, कई लोगों का अलग तरीके से करते हैं सब, पता नहीं कब सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा शायद। और फ्यूचर में क्या विजन है, क्या लार्जर देन लाइफ, और क्या करने वाले हैं आप, मतलब प्रोजेक्ट फिल्म की बात करें तो वो इंस्पिरेशनल फिगर इंडिया में भी हैं काफ़ी सारे, उस पर अगर फिल्म बनाने की इच्छा हो तो? नहीं, 100% बनाऊंगा मैं, मेरे हैं दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में हैं, हस्ती बहुत है, पूरी दुनिया में है। देखिए बार बार मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, ह्यूमैनिटी जहाँ पर आता है, इंसानियत जहाँ पर आता है, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, सब इंसान हैं हम लोग कहीं ना कहीं जाकर सब, तो वहाँ पर कोई भी फिगर हो सकता है, वो आइंस्टाइन हो सकता है, वो न्यूटन हो सकता है, वो कल्पना चावला पर भी फिल्म बन रही है, तो वो कोई भी हो सकता है जो आपको प्रेरित करेगा, वो उस पर फिल्म बनेगी। थैंक यू सो मच।